और अब हम जिस खबर का विश्लेषण करेंगे वो आपके पूरे परिवार की सेहत से जुड़ी हुई खबर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके भोजन की थाली में से जरूरी पोषक तत्व गायब होते जा रहे हैं। यानी आप जो खाना खा रहे हैं उससे आपका पेट तो भर सकता है लेकिन पोषण नहीं हो सकता। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने इसी वर्ष एक फूड कॉम्पोजिशन टेबल तैयार किया है, जिसके आधार पर इंडियन डायटिक एसोसिएशन यानी IDA ने भारतीय थाली से जुड़ा एक रिसर्च किया। इस रिसर्च के मुताबिक पिछले 30 वर्षों से भारतीय भोजन की ताकत और उसके पोषक तत्व लगातार कम हो रहे हैं। खेतों में पैदावार बढ़ाने और फसल को बीमारियों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स और खाद का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और केमिकल के ज्यादा इस्तेमाल से भारत की मिट्टी में पोषक तत्व लगातार कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से खेतों में उगने वाले अनाज, सब्जियों और फलों के पोषक तत्वों में भी गिरावट आ रही है। भारत की मिट्टी में जिंक की मात्रा 43% कम हो गई है। इसी तरह बोरॉन 18.3%, आयरन 12.1%, मैग्नीशियम 5.6% और कॉपर 5.4% कम हो गया है। जाहिर है जब फसल को पैदा करने वाले खेतों में ही पोषक तत्व कम होंगे तो खाने पीने की चीजों में न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कम मिलेगी। इस रिसर्च के मुताबिक ऐसे अनाज, फल और सब्जियां खाने की वजह से आपकी सेहत पर अब फर्क पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। आपका शरीर कमजोर बुनियाद वाली उस इमारत की तरह है जिसमें हमेशा रोगों की आशंका बनी रहती है। भारत एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। NSSO के मुताबिक भारत की कुल जनसंख्या में 47 करोड़ से भी ज्यादा लोग कामकाजी हैं, लेकिन भारत धीरे धीरे बीमार और थके हुए लोगों का देश बनता जा रहा है। भारत में इस वक्त 7 करोड़ लोग डायबिटीज के शिकार हैं और डायबिटीज का मरीजों की संख्या के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ कार्डियोलॉजी के मुताबिक सन 2020 तक भारत में होने वाली 40% मौतें दिल से संबंधित बीमारियों की वजह से होंगी। भारत में हर 10 में से एक व्यक्ति किडनी की बीमारी से पीड़ित है और ज्यादातर लोगों को इसका पता तब चलता है जब उनकी किडनी 60% तक बेकार हो चुकी होती है। ये सारी बातें सुनकर आप चिंतित जरूर हो रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ भारत के लोग बीमार हो रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे भोजन के अंदर मौजूद पोषक तत्व भी कम हो रहे हैं। ये एक तरह से दोहरी मार है, लेकिन इस विषय पर हमारा आज का वीडियो विश्लेषण देखने के बाद आपको थोड़ा लाभ जरूर मिलेगा और आप ये समझ जाएंगे कि मौजूदा दौर में शरीर में पोषक तत्वों की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। हर वो चीज जो चमकती है सोना हो, ये जरूरी नहीं है। आपकी खाने की थाली पोषक तत्वों के मामले में आपको धोखा दे रही है, तो ये भी हो सकता है कि चमकता हुआ टमाटर, चमकती हुई सब्जियां भी आपकी सेहत पर भारी पड़ रही हों। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि मार्केट में अगर आपको टमाटर ज्यादा चमकता हुआ नजर आए तो बहुत मुमकिन है कि ये हाइब्रिड फार्मिंग के नाम पर केमिकल्स और आर्टिफिशियल वैक्स की देन हो। इनसे भी दूर रहने में भलाई है। भारत में हर जगह पीने के पानी की गुणवत्ता एक जैसी नहीं है, आप सब जानते हैं। इसलिए लोगों को ये पता नहीं चल पाता कि उनके यहाँ जो पानी आता है वो पीने लायक है भी या नहीं। इसलिए लोग अक्सर अपने घर में RO लगवा लेते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि RO लगाने की जरूरत सिर्फ उन्हीं लोगों को है जिनके घरों में आने वाले पानी में TDS की मात्रा 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा है। TDS पानी में घुल जाने वाले वो कण होते हैं जिन्हें RO की मदद से पानी से हटाया जाता है। लेकिन परेशानी यह है कि पानी में आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले कणों के साथ साथ वो मिनरल्स, वो खनिज पदार्थ भी होते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी हैं। और RO द्वारा पानी साफ किए जाने की प्रक्रिया के दौरान ये जरूरी मिनरल्स भी पानी से हटा दिए जाते हैं और इनमें आयरन, कैल्शियम और पोटेशियम जैसे मिनरल्स शामिल है। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान बहुत अधिक मात्रा में पानी बर्बाद भी होता है। आमतौर पर एक RO प्यूरिफायर 1 लीटर साफ पानी उपलब्ध कराने के दौरान 3 लीटर पानी बर्बाद कर देता है। यानी 1 लीटर पानी जब आपको मिलता है RO से, तो उसके लिए 3 लीटर पानी बर्बाद होता है। यानी 75% पानी बर्बाद हो जाता है और आपको पीने के लिए मिलता है सिर्फ 25% पानी। एक अनुमान के मुताबिक भारत में दूषित पानी को साफ करने वाले RO सिस्टम्स का बाजार फिलहाल 4,200 करोड़ रुपए का है और वर्ष 2024 तक ये 7 गुना बढ़कर करीब 29,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। लेकिन विडंबना यह है कि सरकार RO के गैर जरूरी इस्तेमाल पर
प्रतिबंध तो लगाना चाहती है, लेकिन भारत के ज्यादातर शहरों में पीने के पानी की गुणवत्ता सवालों के घेरे में है। उसका क्या होगा? पिछले साल उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 21 शहरों से पानी के सैंपल लिए थे और इनमें से 15 शहरों से लिए गए सैंपल जांच में फेल हो गए थे। इन शहरों में हमारे देश की राजधानी दिल्ली भी शामिल थी। नीति आयोग के मुताबिक भारत में उपलब्ध 70% पानी दूषित है और पानी की गुणवत्ता के मामले में भारत दुनिया के 122 देशों में 120वें नंबर पर है, यानी हमारी हालत बहुत ही खराब है। आरओ का इस्तेमाल करना भारत के लोगों की मजबूरी है, लेकिन इससे होने वाली पानी की बर्बादी के बारे में भी अब लोगों को सोचना होगा, क्योंकि हमारे देश में लोग पानी को फ्री का माल समझते हैं। लोगों को लगता है पानी तो मुफ्त में है, जितना चाहे उतना बर्बाद कर दो। इतना ही नहीं, भारत में हर साल 2 लाख लोग साफ पानी नहीं मिलने की वजह से मर जाते हैं अलग अलग बीमारियों के कारण, और अगले 11 वर्षों में देश के 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को पीने का पानी मिलना मुश्किल। कुछ समय पहले अमेरिका से इस विषय पर आपके लिए एक रिपोर्टिंग की थी और ये समझने का प्रयास किया था कि अमेरिका में लोग आरओ का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। आज आपको उस रिपोर्ट का एक छोटा सा हिस्सा हम दिखा रहे हैं। भारत में 70% पानी पीने लायक नहीं है और ये बात उपभोक्ता मंत्रालय के सर्वे में भी साफ हो गई है। घर में जैसे खाना बनाना है या पानी पीना है, लोग पानी खाने के लिए एंड इसके लिए नॉर्मल टैप वाटर यूज करते हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ पे कोई भी फिल्टर और ये नहीं, यहाँ पे हर चीज आप हम ड्रिंकिंग वाटर मतलब पानी पीने के लिए भी वॉशरूम का पानी हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा। यहाँ पे ये पूरा फिल्टर वाटर मतलब है, मतलब इस पानी को कहीं फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसको गुजारने की जरूरत नहीं, गुजार आप ये करके आप पानी भी पी सकते हो। अच्छा, मैं ये पानी पी सकता हूँ या डायरेक्ट टैप वाटर भी पी सकते हैं। एनजीटी ने ये आदेश आज से 14 महीनों पहले भी दिया था और अब सरकार को इस साल 31 दिसंबर तक इस आदेश को लागू कराना होगा। और मेरे हाथ में इस समय एनजीटी के उसी आदेश की कॉपी है, जिसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें अगर आप चाहें तो मैं आपको पढ़कर बता सकता हूं। ये आदेश जो है, इसमें सरकार को क्या क्या कहने के लिए, क्या क्या करने के लिए कहा गया है, इसमें वो लिखते हैं, दी आरओ रिजेक्ट कैन अपसेट दी लैंड सरफेस वाटर और सीवरेज सिस्टम। द रिपोर्ट सजेस्ट दी आरओ रिजेक्ट शुड बी डाइल्यूटेड एंड ओनली देन डिस्चार्ज इनटू द वेस्ट वाटर स्ट्रीम। कंज्यूमर्स नीड टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट वाटर सोर्स एंड क्वालिटी इंक्लूडिंग TDS लेवल। और फिर आगे उनमें लिखा हुआ है, वेर एवर आरओ यूज इज टू बी परमिटेड रिकवरी ऑफ वाटर टू द लेवल ऑफ मोर देन 60% शुड बी इंश्योर्ड एंड स्टार रेटिंग ऑफ द सिस्टम्स बी मेड मैंडेटरी। यानी अब जो आरओ बनाने वाली कंपनियां हैं उन्हें भी अपनी टेक्नोलॉजी बदलनी पड़ेगी। ये जो मशीन अभी आपको दी जा रही हैं, इनमें से ज्यादातर मशीन अब आपके काम की हो सकता है ना रहें। आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके पास जो आरओ की मशीन है उसमें क्या क्या फीचर्स हैं और उसकी क्षमता कैसी है, क्योंकि अब नियम बदलने वाले हैं। कहा जाता है कि जल ही जीवन है, लेकिन जल सिर्फ जीवन नहीं बल्कि भारत के लोगों का संस्कार भी है। हमारी संस्कृतियों का जन्म नदियों के किनारे हुआ। नदियां हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। नदियों की हम पूजा करते हैं, पानी की, जल की पूजा होती है हमारे यहाँ। हमारे कई तीर्थ स्थल जलाशयों के किनारे हैं। कई उत्सव और मेले नदियों और समुद्र के किनारे आयोजित किए जाते हैं। हिंदू कैलेंडर में खास मौकों पर स्नान का बहुत महत्व होता है। हम जल से भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजा से पहले जल से शुद्धि करते हैं और मृत्यु के बाद जल में अस्थियों का विसर्जन करते हैं और श्राद्ध में भी जल से तर्पण होता है। हमारे पुराणों में जल समाधि का जिक्र है। जब घर में कोई मेहमान आता है तब हम पानी के लिए जरूर पूछते हैं, ये भी हमारे संस्कारों में है। लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि मेहमान शायद खुद ही कहेंगे, पानी के अलावा कुछ भी दे दो, बस पानी मत देना, क्योंकि भारत में पानी की गुणवत्ता के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और ये एक स्टडी आपको ये भी बताती है कि भारत में जो बीमारियां फैलती हैं उनमें पानी की वजह से फैलने वाली बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं। यानी बहुत सारी बीमारियां तो आपके शरीर में सिर्फ इसलिए जाती हैं क्योंकि वो पानी के जरिए आपके शरीर में गई हैं। वो इन्फेक्शन पानी के जरिए आपके शरीर में गया है क्योंकि आपने साफ पानी नहीं पिया।